रुको रुको रुको, आज ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, और किसी को भी ये वीडियो देख के लगे उसका टाइम वेस्ट हुआ तो पर्सनली मैं उससे सॉरी मांगूंगा। तो आपको डिस्प्ले पे कुछ 20 शो हो रहे होंगे, तो आप में से कितने लोग हैं जो ये बता सकते हैं किस चीज के बीज है? किसी ने कुछ सोचा, किसी ने कुछ सोचा। तो ये बीज है एप्पल के। आप इन बीज की तरह हैं। अगर आप इन बीज को देखकर नहीं बता पाए किस चीज के बीज है, बस ये दिख रहा है कुछ ब्राउन ब्राउन है, तो वैसे ही आपको कोई देखकर कैसे बता सकता है आप अपने फ्यूचर में क्या करेंगे? और ये पक्का है कि यही बीज पेड़ बनेंगे और उन्हीं पेड़ से एप्पल आएंगे। तो वैसे ही ये भी पक्का है कि आप ही अपने फ्यूचर में कुछ बड़ा करेंगे, और कुछ ऐसा बड़ा जो आप सोच भी नहीं सकते। इस वीडियो के एक इंटरेस्टिंग पार्ट पे पूछने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक आदमी एक टब लेता है बड़ा सा, और उस टब में बीच में कांच की लेयर लगाकर दोनों साइड पानी भर देता है, और एक साइड में कुछ छोटी मछलियों को डाल देता है और एक साइड में एक बड़ी मछली को डाल देता है। तो जब वो बड़ी मछली छोटी मछलियों की तरफ जाती है खाने के लिए उनको, तो जो बीच में कांच की वोल होती है वो जाता है वेल, मतलब बड़ी मछली जाती है उस कांच की वोल पे टकराती है, रुक जाती है, फिर ट्राई करती है, फिर रुक जाती है। ऐसे 10-20 बार ट्राई करती है और वो उस वोल को नहीं तोड़ पाती। जब वो उस कांच की वोल को नहीं तोड़ पाती तो बड़ी मछली चुपचाप बैठ जाती है। तो वो आदमी अगले दिन उस कांच की वोल को हटा देता है। जब वो कांच की वोल को हटा देता है, वो जो छोटी छोटी मछलियां होती है वो पूरे टब में घूम रही होती है बड़े आराम से, मगर जो बड़ी मछली होती है वो उन छोटी मछलियों को नहीं खाती। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बड़ी मछली के मन में एक बिलीव बन गया था कि मैं उन छोटी मछलियों के पास तक नहीं पहुंच सकती। और वो जब उससे पिछले दिन ट्राई कर रही थी, बार बार कर रही थी, नहीं पहुंच पाई, तो उसकी वजह से उसके मन में एक ऐसा बिलीव बन गया कि वो अगले दिन जब उसके पास भी घूम रही थी वो छोटी मछलियां, तो उनको नहीं खा पाई। तो ऐसे ही कुछ बिलीव आपके दिमाग में भी बन चुके हैं जो आपके सक्सेस के रास्ते में आ रहे हैं। तो आज ऐसे ही कुछ बिलीव हम तोड़ने वाले हैं। आपका सबसे पहला बिलीव जो आज टूटने वाला है, पैसे पेड़ पर थोड़ी ना उगते हैं। आप सबने अपने घर में सुना होगा कि भाई पैसे पेड़ पर थोड़ी ना उगते हैं। मैं कहता हूं भाई पैसे पेड़ पर उगते हैं, और इस वीडियो के बाद आप भी कहेंगे हाँ भाई पैसे पेड़ पर उगते हैं। आपका ये बिलीव तोड़ने से पहले आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी है। दो दोस्त होते हैं एक गांव में, दोनों वेले होते हैं, अपना एग्जांपल मत लेना। तो दोनों वेले दोस्त होते हैं, और उस गांव में 4 किलोमीटर दूर पानी होता है, उस गांव में पानी नहीं होता। तो वहां की औरतें 4 किलोमीटर दूर जाती हैं पैदल चलकर, और मटके में पानी लेकर अपने सर पर रखकर लाती हैं। तो दोनों दोस्त सोचते हैं क्यों ना हम इनके बदले पानी लेकर आए मटके में, और इनसे 50-50 पैसे लें पर मटका। तो दोनों दोस्त एग्री हो जाते हैं, और वो जाते हैं मटके लेते हैं और पानी लेके आते हैं, और 50-50 रुपए में गांव में बेचते हैं, और वहां के लोग खरीदते भी हैं क्योंकि उनकी जरूरत होती है उस चीज की। तो ऐसे करते करते उनको 4-5 साल बीत जाते हैं, दोनों दोस्त रोज के 10-20 मटके ले आते हैं। तो 4-5 साल बीतने के बाद एक दोस्त बोलता है दूसरे दोस्त को, भाई हम ऐसे कब तक करते रहेंगे? कुछ सालों बाद हमारे हाथ पैर भी जवाब दे जाएंगे और हम इतनी दूर चल के नहीं जा पाएंगे, तो हम कैसे लेकर आएंगे? तो दूसरा दोस्त बोलता है, अरे भाई चल तो रहा है, जैसे काम चल रहा है क्यों टेंशन ले रहा है, जब देखेंगे, जब बाद में बाद के देखेंगे। तो भाई उसके दोस्त, जो दूसरा दोस्त होता है, उसके दिमाग में चढ़ जाती है कि भाई फ्यूचर में हमारा क्या होगा। तो सोचता है कि क्या करूं क्या करूं। तो एक दिन वो दूसरे गांव में जाता है, और वहां देखता है कि वहां पर एक कुम्हार सुराही बना रहा होता है। तो कुछ छोटी छोटी सुराही बना रहा होता है कुम्हार, तो उस कुम्हार से बात करता है और बोलता है कि भैया आप इसकी बड़ी बड़ी सुराही बना सकते हैं, ये जो पाइप है मतलब आप इसको बड़े साइज में बना सकते हैं। तो कुम्हार हाँ भर देता है। तो दोस्त जाता है वापस गांव और अपने दोस्त को कहता है कि भाई मैंने कुम्हार से बात करी, और वो छोटी सुराही जो होती है उसको बड़ा कर करके बना देगा, और हम एक पाइपलाइन बिछा देंगे नदी से गांव तक, जिससे पानी आने लग जाएगा। तो उसका दोस्त बोलता है, अरे यार छोड़ना, इतनी दिक्कत आएगी, मौसम खराब होगा, मट्टी की तो है टूट जाएंगी। वो 100 बहाने बना देता है। और आप सबने सुना होगा कि ना करने के 100 बहाने और करने का सिर्फ एक। तो उसके दोस्त को वो एक रीजन मिल जाता है और वो उस काम को स्टार्ट कर देता है। वो रोज जाता है कुमार के पास, सुराही लेता है बड़ी वाली जो बनवाता है ऑर्डर देके, और वो लगाना स्टार्ट कर देता है। उससे ठीक 3 महीने बाद वो पाइपलाइन बिछ जाती है,
और उस पाइपलाइन में से नदी से गांव तक पानी आने लग जाता है। और जो वो दोनों दोस्त मटके लाते थे और 50 पैसे में देते थे, अब जिस दोस्त ने पाइपलाइन बिछाई वो उस 10 पैसे में देने लग गया। और अब वो दोस्त एक दिन में 100 मटके भी दे सकता है, 200 मटके भी दे सकता है और 1000 मटके भी दे सकता है, क्योंकि सिर्फ पानी की पाइपलाइन के नीचे मटका लगाना है और पानी आ जाएगा। और जो उसका दूसरा दोस्त होता है वो उसी दिन बेरोजगार हो जाता है जिस दिन पानी आने लग जाता है। और वो दोस्त जो पाइपलाइन बिछाता है उसके पास दूर दूर से गांव से लोग आने लग जाते हैं और बोलते हैं आप हमारे गांव में भी पाइपलाइन बिछा दो, हमारे को भी नदी से पानी हमारे गांव तक ले आओ। कुछ सालों बाद वो जो दोस्त होता है जिसने पाइपलाइन बिछाई होती है वो आसपास के 100 गांवों में सबसे अमीर आदमी बन जाता है। और उसने जो आसपास के 100 गांव होते हैं सब में अमीर बन जाता है। तो उसने ऐसा क्या किया जो इतना अमीर बना? उसने एक पैसों का पेड़ लगाया। जो पाइपलाइन थी वो उसका पैसों का पेड़ था, तो उसने कहीं ना कहीं पैसों का पेड़ लगाया। और जो भी आज करोड़पति है या खरबपति है उसने कहीं ना कहीं ऐसा पैसों का पेड़ लगा रखा है कि वो उस टाइम जहां पर नहीं भी होगा तब भी उसमें से फल आएंगे। तो भाई पैसों का पेड़ होता है, ये आपको मानना पड़ेगा। हाँ भाई पैसों का पेड़ होता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल हो, अगर मैं आपको एक रूम दूं और उसको बोलूं कि 1 महीने का आपको इसका रेंट भरना है 30,000 रुपए, तो आप में से कितने लोग हैं जो भर पाएंगे? कुछ तो सोचते ही जैसे मैंने बोला होगा सोच रहे होंगे ये पागल है। भाई कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 5 स्टार में दिन का 1-1, 2-2 लाख रुपए भी दे रहे हैं। तो उनमें और हम में कुछ तो ऐसा होगा जो उनके पास है और हमारे पास नहीं है। तो भाई उनके पास वो पैसों का पेड़ है और हमारे पास नहीं है, तो हमें भाई ढूंढना पड़ेगा वो पैसों का पेड़ कैसे लगेगा हमारे लिए। तो पैसों का पेड़ आपको लगाना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा हाँ भाई पैसों का पेड़ होता है। जो इतने करोड़पति लोग हैं उनके पास ऐसा कुछ तो है जो हमारे पास नहीं है, उनके पास पैसों का पेड़ है। जैसे नदी वाली कहानी में जो पाइपलाइन थी वो पैसों का पेड़ था, तो भाई मानना पड़ेगा पैसों का पेड़ होता है। तो आपका ये बिलीव टूट चुका है कि पैसों का पेड़ नहीं होता। तो अब आपका सेकंड बिलीव जो टूटने वाला है, आपने अपने घर में सबसे सुना होगा कि तूने क्या मेहनत करी है, हमने अपने टाइम में मेहनत करी है। तो भाई मैं कह रहा हूं अगर आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो आप टोटली फेलियर के रास्ते पे जा रहे हैं। अब कोई सोचेगा मैं स्मार्ट वर्क के बारे में बात करूंगा, नहीं, मैं कह रहा हूं अगर आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो आप टोटली फेलियर के रास्ते पे जा रहे हैं। तो इस बिलीव को तोड़ने से पहले आपके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर आप अपने दोस्त की शादी में जाते हैं और वहां पर 3 घंटे डांस करते हैं और उठ के बैठ के लेट के हर तरीके से डांस करते हैं, उस 3 घंटे के बाद आप क्या कहेंगे कि अपने दोस्त को कि भाई मैंने तेरी शादी में बहुत मेहनत करी, ये कहेंगे? या ये कहेंगे भाई तेरी शादी में मुझे बहुत मजा आ गया, मस्त खुल के डांस किया? आप कहेंगे कि भाई बहुत मजा आ गया, जहां आपके सच में पसीने भाए, सच में आपने फिजिकल एक्टिविटी करी, आप वहां कह रहे हैं भाई मजे आ गए, लेकिन आप अपने काम में कह रहे हैं कि हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो भाई कुछ तो गलत होगा ना। अब जहां पे सच में पसीने बहा रहे हैं वहां कह रहे हैं कि भाई हम मेहनत कर रहे हैं और आप अपने काम में कह रहे हैं कि, तो भाई कुछ तो गलत होगा ना। आप जहां सच में फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं पसीने बहा रहे हैं आप वहां कह रहे हैं कि मजे आ गए और अपने काम में कह रहे हैं कि भाई बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, तो भाई अपने काम को सबसे पहले आपको एंजॉय करना पड़ेगा। अगर आप अपने काम को एंजॉय करते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप मेहनत कर रहे हैं। आप में से कितने लोग हैं जिनको आउटडोर गेम खेलना पसंद है? किसी को हो सकता है रनिंग करना पसंद हो, किसी को हो सकता है बैट बॉल खेलना पसंद हो, किसी को कुछ काम पसंद हो खेलने। तो भाई अगर मैं आपको आपके ऑफिस वर्क के बाद कहूं कि आपको वो चीज करनी है, आपको रनिंग करनी है, आपको खेलना है, तो कितने लोग हैं जो मना करेंगे? आप कहेंगे भाई 1 घंटा नहीं, मुझे वो 2 घंटा करवा दे, 3 घंटे करवा दे। आप जहां सच में पसीने बहा रहे हैं, इंजरी भी हो सकती है, आपको चोट लग सकती है, जहां पे अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं
तो आप उस काम में कह रहे हैं कि भाई मुझे मजा आ रहा है, तो आप अपने काम में क्यों कह रहे हैं आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है? तो अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो अपने काम को एंजॉय करना स्टार्ट कर दो, या आपको जिस काम में मजे आते हैं वो काम करना स्टार्ट कर दो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है। और ये समझना पड़ेगा आपको कि भाई अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप फेलियर के रास्ते पे जा रहे हो, क्योंकि आपको अपने काम को एंजॉय करना पड़ेगा सबसे पहली बात। तो ये बिलीव आपका टूट गया है कि काम ज्यादा करने से या ज्यादा मेहनत करने से आप सक्सेसफुल होंगे। अगर आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो आप फेलियर के रास्ते पे जाएंगे, ये बात आप लिखवा लो। जिस काम को आप एंजॉय कर रहे हैं वो काम करना स्टार्ट कर दो आज से ही। तो आपका ये बिलीव भी टूट चुका है। अब आपका थर्ड बिलीव, जो आपका फर्स्ट और सेकंड से रिलेटेड है। आपका फर्स्ट बिलीव जो इतने सालों से आपने क्रिएट कर रखा था, फर्स्ट और सेकंड, और जो आप सच में मानते थे कि हाँ भाई ये सच है, अगर आपके वो बिलीव टूट चुके हैं तो ऐसा लाइफ में कुछ भी नहीं है जो आपने अपने दिमाग में क्रिएट कर रखा है और आपके सक्सेसफुल होने के रास्ते के बीच में आ रहा है तो जो मुश्किल हो। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि भाई इस लाइफ में सब कुछ आसान है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मुश्किल हो सकता है एक पल के लिए, मगर इम्पॉसिबल नहीं है। सब चीज पॉसिबल है। कोई कहता था चांद पे जाना इम्पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल हो गया। कोई कहता था हवा में उड़ना इम्पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल हो गया। तब तक एक इम्पॉसिबल चीज तभी तक इम्पॉसिबल रहती है जब तक वो पॉसिबल नहीं होती। तो आप जो भी सोच रहे हो पॉसिबल है, जब तक आप उस काम को नहीं कर लेते बस तब तक ही वो इम्पॉसिबल है। तो लग जाओ भाई जो भी आपका काम है या जो भी आपने सोच रखा है। तो इस बिलीव को भी तोड़ दो कि कुछ भी इस दुनिया में इम्पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। तो ये बिलीव भी टूट चुका है आपका कि कुछ भी इस लाइफ में इम्पॉसिबल है या कोई भी काम नामुमकिन है। तो भाई अगर आपके ये तीनों बिलीव टूट चुके हैं और आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। हो सकता है आपके किसी दोस्त की मदद हो जाए और आपके साथ वो करोड़पति बन जाए या उसको जो चाहिए वो उसको लाइफ में अचीव कर पाए। तो कीप सपोर्टिंग एंड गो फॉर योर गोल। ऑल द बेस्ट।